अभी हमारे साथ ओम प्रकाश अकेला जी हैं और इनकी पत्नी पल्लवी जी हैं। दोनों अभी मुझे मिले हैं ये मैरिज हॉल में, जिस मैरिज हॉल का नाम है खुशी उत्सव हॉल, है ना, खुशी मैरिज हॉल। और यहाँ पर ये दोनों मुझे मिले हैं। तो अभी छठ का त्योहार आ रहा है, इस त्योहार के लेकर के दोनों का गाना शूटिंग हो रहा है। इन लोग से जानते हैं कि कैसा गाना आ रहा है भाई, कैसा तैयारी चल रहा है इन लोगों का छठ को लेकर के। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक आपको भी यू, स्वागत। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम करिया हैं, गोर हैं। सही सही बोले, हम बोले हैं। अच्छा, करिया हैं, गोर है लड़को, नहीं सॉरी, हाँ गोर है ऐसे लड़को। नहीं मेकअप कर लेते हैं आप भी तो ऐसे अगोर लगने लगते तो हैं। मेकअप ही नहीं किए क्या? आपको क्या लगता है ये मेकअप के बाद का चेहरा है? बगला हुई थी जी मेकअप करे से, अच्छा, भैंस लेकिन के अगर कितना भी क्विंटल फेरो लवली लगा दिया जाए तो गोर हो जाएगी? भैंसे के दूध ओरिजिनल हुआ है, गैया से बढ़िया। शुद्ध तो गई के पूजा में, ओकरे पूजवा दूध में लगा का है, करबो, कहीं पूजवा नहीं में ना, लगा है। लेकिन भैंस के दूध खाएबो ना तब मोटाएगा काम अरे हो मोटाना जाएगा। के मोटाने के लिए बहुत सारा टेक्निकल चीज निकला हुआ है। ऐसे भी ज्यादा घी भैंस वाला दूध से आते नहीं तब जाता करिए में ज्यादा मजा है, करिया है। चीज ऐसे भी पसंद पड़ता है सबके। ऐसे भी आप दोनों का जोड़ी बहुत भी खोजला ठीक पर करिए मिलता है मेरी है। जान। नहीं बगल में तो बैठा है, की जरूरत है खोजने की? कौआ के हाथ में बगुला। नसीब वाले को मिलता है करिए करियठा को गोर की। पीछे से भी लोग बैठे हुए हैं, उन तो लोगों को साथ ही देख लोग लो, हैं, साथ ही लोग हैं। भाई तो लोग। चलिए, क्या शूटिंग हो रहा है आज? आज छठ के गीत शूटिंग हो रहा है पल्लवी जी के हाँ साथ में, हाँ और अधिकतर गाना तो पल्लवी जी के साथ में होता है। अभी अंताक्षरी वाला गाना आप सब देखे थे, हाँ बहुत अच्छा रोल और जिस गाने किए का मुझे गिफ्ट में मिला था, बहुत प्यारा सा इयररिंग मिला, जो कि मेरी दीदी जबरदस्ती मेरे से छीन रही है कि मैं अपने ससुराल लेके जाऊंगी, तो थे। बहुत प्यारा वो ये इयररिंग। गिफ्ट भी दिए हैं हाँ उस गाने के लिए, सारे आर्टिस्टों को, ये सारे वाला जो को। अभी लगाई हुई है। अच्छा, नहीं नहीं ये तो नकली है, वो ये तो सोने ऐसे वाला। शूटिंग के लिए। हाँ वो गोल्ड का मिला है, और अंतरा जी को चैन मिला था, बाकी सबको 50-50 हज़ार का चेक मिला था, तो उस गाने का इन्होंने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया सबको। अंताक्षरी वाला गाना देखे थे अच्छा, आप? इनको पहली बार मिला था गिफ्ट क्या? पिछले नहीं, बार ना मिला दूसरी था? बार उससे मार, दो राउंड पहले? मार दिल अरे थी बाप। तब दो बार अच्छा, दू इस बार हम नहीं आए थे, पिछले बार आए थे। नहीं, अगले पिछले बार आए थे तो नहीं थे, तो इस बार मैं कहीं बाहर गया हुआ था। चालान काटे वाला मैं हाँ फर्स्ट हाँ में भी और सेकंड में भी, बाप रे हाँ अच्छा, बाप, यही हाँ ना थे। आगे वो दरोगा का रोल किए मैया पकड़ ले लूं। थे। हाँ ये बात इन लोग का इस एकदम बार मतलब। स्टूडेंट थे हम भी, हाँ, स्टूडेंट थे यही गाए थे। लेकिन ये मैं गुड स्टूडेंट थी और ये बदतमीज। लाइन मारने तो हाँ एकदम, एक मतलब कैमरा पैसा ना बोले चाहे तो बस सच्चाई है। देखिए ये हमारा पता है क्या दिख रहा है, रियल रियल लाइफ दिख रहा है, तो लाइफ उसमें वही दिख ना रहा है। दिखाएंगे, तो तो रियल शूटिंग कर लाइफ, रहे हैं में भी देखिए ये दोनों पति इंसान पत्नी दिख में रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग, कमेंट में बताइए। बारी लड़ा तू हाँ, हमारा से ना काबू ही है ना उठा पूरा के पटक जिंदगी दे कैसे चलेगा आप लोग का? ना चलते चलते जी। और पता है आपको, अगर हम मतलब अभी तो खैर इंटरव्यू में हम लोग बहुत कंट्रोल में है, हाँ, अगर हम लोग को ऐसे आप देख लीजिएगा ना, तो कोई कह नहीं सकता कि इन लोगों का दोस्ती है या मतलब ऐसा कुछ, ऐसा मतलब कुछ दुश्मनी जैसे लगेगा कि इन लोगों का पक्का वाला एकदम दुश्मनी तलाक चलता है। हो जाए तो भैया का करीब दिन भर में 20 बार मारा थी, अच्छा 50 बार करियाठा मार कह के ताना मारा थी, बड़ी दुख हो गया। बेलना से भी पिटाई अच्छा तो होती आप नहीं है करिया? नहीं है तो बोलिए, तब? इनका सिर्फ दांत ही दिखता है, हंसते हैं तो मुंह का तो कुछ नहीं तो कुछ पता देखा तो कुछ मैं तो अच्छा, एकदम सेम सेम। जो भी है हमारे भाई है, आई हाँ तो हम कहाँ कह रहे हैं कि सपोर्ट यू। हमारे भाई हैं, हम तो नहीं बोले कि हमारे भाई हैं, आप ही के भाई रहे तो अच्छा है। अच्छा, जी अभी जो गाना शूटिंग हुआ उसके बारे में बताइए ना। अभी छठ गीत बहुत बढ़िया छठ गीत शूटिंग किए हैं, हाँ जिसमें पल्लवी जी काम किए हैं, हाँ बहुत अच्छे एक्टिंग किए हैं अभी हम भी। आप लोग बताइएगा, और स्टोरी मेरा जो है छठ गीत सबसे अलग है, इस बार आन्हर वाला बनाए हैं कि बनाया। आन्हर बन के और छठ घाट हाँ पर जा रहे हैं, तो किसी के दौरा पर चढ़ जा रहे हैं, किसी में धक्का लग जा रहा है, तो सब लोग मार रहा है ताना, रियल में भी मार रहा है। मेरी पत्नी है, भगवान जी से कहता है कि हे भगवान जी मेरे पास धन उन सब कुछ है, लेकिन मेरा पति की आंख ठीक कर दीजिए। उसमें मेरा लाइन है कि आहो छठी मैया ये लाइन है, बड़ी बढ़िया गीत बनाए हैं स्टोरी। वो तो अच्छा है कि आंधर को इतनी अगले अच्छी बार, पत्नी मिली है। हाँ अगले बार हम स्टोरी बनाए थे ना भैया, कि माँ है तो बूढ़ी है, तो छठ की तो उसको फिट मार दिया, मतलब अरे भूखे हाँ, तो
हर किसी के माँ बूढ़ी होती है तो मार देता है, तो सब लोग नहीं छट करवाता है कि डॉक्टर से इलाज करो, लेकिन हम इलाज नहीं कराए। हम लोग चार भाई रहते हैं, उस माँ का चार बेटा, तो हम कहते हैं कि सुनिए खटिया पर ला दिए, चलिए अरघ देवावे। खटिया पर लाद के अरघ देवावे ले गए थे, वहां जाके माँ ठीक हो गई थी और 6 नंबर ट्रेनिंग पर आया था, इसीलिए हमारे स्टोरी जो रहता है आपका तो अलग रहता है। इस बार भी ट्रेनिंग में आए, यही ईश्वर से कामना है, छठी माई से ही रिक्वेस्ट। ईश्वर कितने गाना रहा था? छठ का 2 गीत आ रहा है, 2 गीत पिछले साल भी लगता है 2 ही था ना? हाँ, चलिए 2 ही गाना आ रहा है, लेकिन अच्छा गाना आ रहा है। आई होप ओम प्रकाश जी ब्रांड करते हैं, 2 ही करते लेकिन अच्छा करते। तू ब्रांड बोल दे मुतकल से सब लिखे लग दिए, पल भी ब्रांड बोली थी करी अच्छा के हो गलो तरह से सब क्वेश्चन करता है। अब कौन करेगा, मैं जवाब लेके रहती हूँ, तो ही बात बोलती हूँ। अच्छा, वो दूसरा गाना क्या है? उस गाना एक गाँव है, पारंपरिक ट्यून है, मतलब एक छठ गीत है, बहुत अच्छा है, हम सुनाते हैं। कि तोहरे दया से छठी मैया कला सुब सजावनी हो, ए छठी मैया दौरा वो सजावनी हो, ए छठी मैया कला सुप पर हो हूँ ना सवार बालकवा, ए तोहर विधि न जानै हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए ये जो अभी वही गेटअप में है, भी पीला पीला पेन के दोनों पति पत्नी का भी रोल है। और पेन हो ना पलबिया जी पियारिया, दौरा घाटे पहुँचा, दौरा घाटे पहुँचा, कि बात जे पूछली बटोहिया, बहंगी की ना कर के जाए, दौरा की ना का के जाए, कि तू तयावे रे बटोहिया, बहंगी छठिया मैया के जाए, बहंगी शुरू जा देवा के जाए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आप लोगों को इनका जो छठ गीत अभी आने वाला है काफी अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे। तो हमारे साथ ये ओम प्रकाश अकेला जी हैं, काफी अच्छे हैं और हम इनका हमेशा दिखाते रहते हैं आपको, बहुत मेहनत करके आज जो है आप लोग के बीच में खड़े हैं और हमेशा अच्छा अच्छा गाना लाने का प्रयास करते रहते हैं। पल्लवी जी हैं जो इनके साथी हैं। पल्लवी जी साथी नहीं है, मेरा फेवरेट हीरोइन है, जिनको जो बोलना से बोलिए, हमको गाना में ऐसा एक्टिंग कर देते हैं कि हमारा से गिफ्ट ठग लेते हैं सोना के। बहुत अच्छा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं आप? अब बता दीजिए सोशल मीडिया। नहीं नहीं, अब सुने दे उसे, काहे पल्लवी का प्यार कमाते हैं। अरे कमाते किसके लिए? देहु ना, रुको ना यार, बोले देहु ना। ना बहुत अच्छा पल्लवी जी हैं और बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। ऐसे भी कमाते किसके लिए? आप ही के लिए ना? नहीं, हमारे लिए नहीं, सुनिए, सबके लिए कमाते हैं। वो जो अंताक्षरी वाला गाना था, 150 मिलियन गया था? 150 मिलियन नहीं, उसका OTT मतलब पैसे आने का बहुत सारे जरिया होता है। आप तो यूट्यूब चलाते हैं, आपको पता होगा, यूट्यूबर है तो पैसा तनी मनी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप सबके आशीर्वाद से बनता है। लेकिन ये लड़ाके मेरारू हमारे यहाँ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितना अच्छा रोल कर दिए है, मौरिया पहिर दूल्हा घूमिया या गाना अंताक्षरी वाला में, दरोगा वाला में भी बहुत पसंद पड़ता है इनका और हमारा। हाँ। बहुत अच्छा लगता है पब्लिक को, हम लोग के काम जोड़ी भी काम में तो अच्छा लगता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, ये दोनों का एक्टिंग देख करके। हालांकि ये दोनों रियली में पत्नी नहीं है, पत्नी पति पत्नी का रोल करते हैं, काफी अच्छा लगता है ये दोनों का एक्टिंग। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेस्ट है कि अगर किसी के लिए, मतलब किसी की नजर में कोई अगर अच्छी लड़की हो तो प्रकाश जी के लिए ढूंढ लीजिए। मेरा दोस्त अकेले है, भगवान का कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तोर मन भर गल बा, ब्याह करके देखे थे ना कि लड़की खो दे, तलाक दे। फ्रस्ट्रेशन का आवाज है, फ्रस्ट्रेशन का आवाज है। ऐसे मत बोले, घबरा जाएगा बेचारा। लेकिन सच में कोई नहीं है। हम कभी सिर्फ सोचते हैं कि कलाकारों में, मतलब ये कैसे इंसान है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं। गलर फ्रेंड नहीं रहना चाहिए मेरी जान, गलर फ्रेंड रहेगी तो क्या कर रहे हो, कौन थी, काहे सटल थी पल्लविया, पल्लविया कुछ जरूर बात है। इसीलिए एकदम उस सब के टाइम ना दे करके हम लोग मस्ती मजाक शूटिंग पर करते हैं, कभी फोन फान पर भी बतिया लेते हैं,
और ना हम इनको सोचते हैं कि एक्टर हैं और ना ही हमको सोचते हैं कि सिंगर हैं, बस दोस्त ऐसे बतिया लेते हैं, पहले कि बाबू सोना के चक्कर में पड़ेंगे आप। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन बैठे रहिए, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।